हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वेलकम टू एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सब लोग? और अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग की, और आज जो मेरा करंट अफेयर्स है वो 16 से 18 मार्च तक का है। और मैं अब मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आपको पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं, आप हमें समझ सकते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिससे कि क्वेश्चन नहीं बन पाते, पीपीटी रेडी नहीं हो पाती है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, हमारी मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। ओके, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपने इस सेशन को। जल्दी से सभी आ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का प्यारा भरा दिन जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 के चौथे संस्करण की मेजबानी करने के लिए कौन सा भारतीय शहर तैयार है? कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस एक ऐसा कार्यक्रम है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के लीडर्स को, किसके लीडर्स को? डिजिटल प्रौद्योगिकी के लीडर्स को मुख्य धारा IoT में लाने के लिए व्यापार के अवसरों पर चर्चा और अन्वेषण करने के लिए जुटेगी। ये जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी के जितने भी लीडर होंगे उनके साथ जो है एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, और व्यापार के ऊपर, किसके ऊपर? व्यापार के ऊपर। तो ये जो हुई है ये 22 से 23 अगस्त को हुई है, 22 से 23 अगस्त को बेंगलुरु में आयोजित हुई। ओके, देखिए ये है आपका राइट ऑप्शन, बेंगलुरु। डिजिटल प्रौद्योगिकी लीडर्स, डिजिटल प्रौद्योगिकी के लीडर्स के लिए जो है व्यापार के अवसरों पर, किसके? व्यापार के अवसरों पर चर्चा करने के लिए इसमें बात की गई है। किस पर? व्यापार के अवसरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। IIT के किस परिसर ने स्पेस टेक्नोलॉजी सेल स्थापित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख भी सकते हैं और आपको जवाब देते हुए चलना है कमेंट्स में। ओके, IIT रुड़की, IIT रोपण, IIT पटना, IIT भिलाई, इनमें से कोई नहीं। और आपको मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, और हमारे चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है IIT रुड़की। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, एक तो IIT और एक इसरो ने इसरो क्या है? अंतरिक्ष विभाग है बंगलुरु में। एक इसरो और IITR रुड़की ने क्या क्या है? उत्तराखंड संस्थागत अंतःक्रियाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इन्होंने जो है एक मेमोरेंडम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या किए? साइन किए गए हैं इनके द्वारा। अब IIT और इस प्रकार जो STRO है इसरो के तहत शुरू की गई गतिविधियों के दायरे को इसरो के कार्यक्रम लक्ष्यों के साथ बढ़ाना है। STC इसरो और IIT रुड़की में मौजूद अनुसंधान क्षमता, अवसंरचना, विशेषज्ञता और अनुभव का अधिकतम उपयोग करना सुनिश्चित होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो IIT रुड़की इसरो के साथ किसने किए हैं? IIT रुड़की ने किए हैं। बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इसरो के बारे में भी आप जान लीजिए अच्छे से कि इसरो के जो चेयरमैन है बहुत ही आजकल चर्चा में है, चर्चा का विषय बने हुए हैं यहाँ की। ओके, कैलासा वडिवो, पूरा नाम याद रखना है आपको, सिवान, और शॉर्ट में इन्हें बोलते हैं ओनली के सिवान। शॉर्ट में आपको पता ही है, लेकिन के सिवान पूरा नाम भी याद कर लीजिए, कैलासा वडिवो।
कैलाशावडिवु, और हेडक्वार्टर यहाँ इनका है बंगलुरु में। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ओके, तो इतने आपको पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने के उद्देश्य से नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन मुंबई, नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं। तो द्विपक्षीय, सबसे पहले जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। आपको राइट ऑप्शन है न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली आपका राइट ऑप्शन है। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के उद्देश्य से रॉयल थाई दूतावास द्वारा आयोजित नमस्ते थाईलैंड त्योहार का तीसरा संस्करण था। ये जो है नमस्ते थाईलैंड सरकार का कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण 15 मार्च 2019 को नई दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक में शुरू हुआ, सेलेक्ट सिटी वॉक में शुरू हुआ और 17 मार्च 2019 को ये समाप्त हुआ था। त्योहार में थाई कलाकारों द्वारा मंच प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें लोकप्रिय थाई लोक जैज बैंड एशिया 7 भी शामिल है। इसमें पारंपरिक थाई व्यंजनों के साथ शहतूत पेपर मिनी छाता बनाने, पंखा पेंटिंग, बॉडी पेंट और बटन जैसे बनाने सहित थाई शिल्प गतिविधियों की एक श्रृंखला होगी। तो आपको इतना अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड के विषय में भी जान लीजिए। देखिए, थाईलैंड की जो कैपिटल है सभी को पता है, आप अच्छे से जानते हैं, बैंकॉक। ओके, कैपिटल आपको ध्यान होनी चाहिए सभी की। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। और ये जो थाईलैंड है ये भी आपको पता होना चाहिए, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और इसकी जो करेंसी है, करेंसी भी स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, थाई बहत। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास का नाम बताएं जो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संघाई कोऑपरेशन क्षेत्रीय सहयोग संगठन एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की 34वीं बैठक के दौरान तय किया गया था। ऑप्शन वेस्टर्न एक्सप्लोरर 2019, मेट्रो सर्च 2019, सैरी अर्का एंटी ट्रेडर 2019, ब्लैक एंगस 2019। तो ध्यान से सुनना है, जिसका राइट ऑप्शन है सेरी अर्का एंटीट्रेटर 2019, सेरी अर्का एंटीट्रेटर 2019। 16 मार्च 2019 को ताशकंद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम भी ताशकंद है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, में संघाई कोऑपरेशन संगठन SCO एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS काउंसिल की 34वीं बैठक का आयोजन किया गया। इन दोनों की जो बैठक हुई है, SCO की और RATS की, ये हुई है 34वीं बैठक। कौन से नंबर की बैठक हुई है? 34वीं बैठक का आयोजन किया गया। ओके, संयुक्त अभ्यास सेरियर का एंटी ट्रेडरिट 2019 राट्स द्वारा तय किए गए अनुसार आयोजित किया गया। भारत, पाकिस्तान और अन्य सदस्य राष्ट्र इस साल आयोजित होने वाले संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता, इसमें जो ये बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता किसने की है? रूस कंट्री ने इसकी अध्यक्षता की है। इस बैठक में संयुक्त सीमा संचालन का पहला चरण सोलिडेरिटी 2019 से 2021 आयोजित करने का निर्णय लिया गया। भारत और पाकिस्तान ने 2017 में SCO में प्रवेश किया, जहां चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। ओके, तो इतने पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं। वैसे फिलहाल तो आप इतना ही याद रखिए, आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि जो इन दोनों की, SCO की और RATS की 34वीं बैठक कहाँ पर हुई है? रूस में हुई है। देश भी पूछ सकता है। अब बैठक के दौरान तय किया गया, तो तय किया गया मुद्दा यह है सेरियर का एंटी ट्रेटर 2019। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शहर ने
पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2019 की मेजबानी की? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कुरटिबा ब्राजील। क्या है आपके सामने राइट ऑप्शन? कुरटिबा ब्राजील। 15 मार्च 2019 को ब्राजील के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कुरटिबा ब्राजील में पहली ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है आपको पता ही है अच्छे से, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। शेरपा बैठक हुई पहली, ब्राजील में पहली शेरपा बैठक हुई है। ये जो हुई है शेरपा बैठक, शहर में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक जो है आप बताएंगे कुरटिबा के ब्राजील में आयोजित की गई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव SS त्रिमूर्ति ने किया। भारतीय मंत्रिमंडल का किसने किया भारत की तरफ से? SS त्रिमूर्ति द्वारा किया गया। ओके, सबको इतनी पॉइंट्स क्लियर है? त्रिमूर्ति ने क्या बैठक के दौरान भारत ने ब्राजील द्वारा शुरू किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, जो विशेष रूप से काउंटर टेररिज्म को एक उभरते हुए मुद्दे के रूप में आगे ले जाते हैं। ब्राजील विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, न्यू डेवलपमेंट बैंक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को प्राथमिकता देगा। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करने को भी प्राथमिकता देगा। देखिए किस किस चीज को प्राथमिकता देना है आपको पता ही चल गया है। ब्राजील विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, न्यू डेवलपमेंट बैंक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को प्राथमिकता देगा। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करने को भी प्राथमिकता देगा। तो इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ब्रिक्स, अगर हम ब्रिक्स के विषय में बात करें तो ब्रिक्स के अंदर जो है 5 उभरते हुए देश आते हैं। 5 उभरते हुए देशों का ये समूह है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के समूह में शामिल होने से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ओके, दक्षिण अफ्रीका भी हाल ही में इसमें शामिल हुआ, लेकिन अब पहले जो है इसे ओनली इसके नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के चौथे सत्र का विषय क्या था? तो इसमें जो ऑप्शन है, थीम 2030 एजेंडा प्राप्त करना, हमारे वादे को पूरा करना, सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भारत में नवाचार के लिए वैश्विक पूंजी जुटाना, चौथा है पर्यावरणीय चुनौतियों और स्थायी उत्पादन और खपत के लिए अभिनव समाधान, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चौथा है पर्यावरणीय चुनौतियों और स्थायी उत्पादन और खपत के लिए अभिनव समाधान। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है, इसकी जो थीम है इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल चैलेंज एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ओके, केन्या के नैरोबी में आयोजित UNP सभा के चौथे सत्र का विषय, देखिए राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा विषय बताना है तो पर्यावरणीय चुनौतियों और स्थायी उत्पादन और खपत के लिए अभिनव समाधान, इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और केन्या की कैपिटल नैरोबी ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम बताएं। तो माइक्रो भारत, स्वच्छ संगम, माइक्रो बूस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या है जल्दी से आप बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है संगम। क्या आपका राइट ऑप्शन है? संगम। 8 मार्च 2019 को माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि उसने अपने प्रोजेक्ट संगम को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साझेदारी की है, जिसे भारत में स्वच्छ भारत मिशन में तेजी से लाने के लिए विकसित किया गया है। यह दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट संगम एक क्लाउड होस्टेड मोबाइल फर्स्ट कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोजेक्ट लर्निंग प्रोजेक्ट संगम है, ये जो संगम प्रोजेक्ट है आपको पता होना चाहिए, ये जो है
ये जो संगम प्रोजेक्ट है ये कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। 4,000 से अधिक शेयरों में 11 लाख 1,10,000 से अधिक नगर पालिकाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों और बुनियादी ढांचों को साफ करना है। इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि उसने अपने प्रोजेक्ट संगम को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। किस किस मंत्रालय के साथ साझेदारी की है उसने, ये मंत्रालय का नाम भी आपको पता चलनी चाहिए। उसने साझेदारी करी है, एक तो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ, आवास और मंत्रालयों के साथ, ओके, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के साथ जो है इन्होंने घोषणा की है। ये दुनिया के सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में से एक है। ये जो है संगम जो है ये स्वच्छता दुनिया के, याद रखना, दुनिया के स्वच्छता कार्यक्रम में से एक है। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसके विषय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नई दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी शुरू करने के लिए किसने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो आपका राइट ऑप्शन है अरुण जेटली, श्रीधर वेम्बू, रानी बंगे, श्रीकांत बोल्ला। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है अरुण जेटली ने जीता। 15 मार्च 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सफलतापूर्वक पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया। बिजनेस लाइन चेंज मेकर किस पुरस्कार से नवाजा गया है? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार। इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये किसको मिला है? ये अरुण जेटली को मिला है, बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ध्यान से आपको देखनी है ये बात कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्री जेटली ने नई दिल्ली के लीला पैलेस में बिजनेस लाइन चेंज मेकर पुरस्कार समारोह में जीएसटी परिषद की ओर से डॉक्टर सिंह से पुरस्कार स्वीकार किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीमा मेहता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजनेता, कथक नर्तक, गायक, अभिनेत्री या इनमें से कोई नहीं। तो वो है कथक नर्तक। कौन है वो? कथक नर्तक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पिछले 15 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के लिए अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सीमा मेहता को, किसको? यह है सीमा मेहता जो है कथक नर्तक है। सीमा मेहता को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कथक में अपनी यात्रा शुरू करी और 2010 में मुंबई में अपना नृत्य विश्वविद्यालय स्थापित किया। वह मुंबई में छदम नृत्य भारती के निदेशक हैं और कथक नृत्य के प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। ओके, इतने पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डीडी महिला किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंद्रा नुई, स्वाति शिंगड़े, इंदु जैन, वंदना लूथरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो राइट ऑप्शन है वो है स्वाति शिंगड़े। पुणे की स्वाति शिंगड़े ने 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान पुरस्कार का पहला पुरस्कार हासिल किया है। कैसे? ये डीडी महिला किसान पुरस्कार की तरफ से पहला पुरस्कार इनको दिया गया है। ओके,
सूर्य प्रकाश अध्यक्ष प्रसार भारती ने यह पुरस्कार सुश्री स्वाति शिंगड़े को नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर आयोजित एक शानदार समापन समारोह में दिया। किसान चैनल ने महिला किसानों को एक मंच प्रदान किया है और चैनल का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। डीडी महिला किसान चैनल ने महिला किसानों को एक मंच प्रदान किया है और चैनल का जो उद्देश्य है, ये जो उद्देश्य इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये है लोगों को सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जागरूक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर वेस्ट नाइल वायरस मच्छर जनित बीमारी है जो ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपोर्ट की गई है, जो हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रभावित हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है, तमिलनाडु में हुई है, कर्नाटक में हुई है, केरल में हुई है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है इसमें केरल। किसमें ये बीमारी हुई है? वेस्ट नाइल वायरस जो है केरल इससे प्रभावित हुआ है। केरल के मलप्पुरम कौन से जिले में? मलप्पुरम जिले का एक 7 वर्षीय लड़का एक मच्छर से होने वाली बीमारी वेस्ट नाइल वायरस से पीड़ित है, जो कि ज्यादातर महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपोर्ट किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री इस टाइम जो है हमारे कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्टर हैं, वो हमारे इस टाइम है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो परिवार कल्याण मंत्रालय स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने केरल के राज्य स्वास्थ्य मंत्री से इस संबंध में बात की है। उन्होंने इसकी रोकथाम और प्रबंधन में केरल के लिए हर संभव सहायता का निर्देश दिया है। सचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव सदानंद केरल के साथ बैठक की और स्थिति की समीक्षा की है। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से कि वेस्ट नाइल वायरस है ये एक मच्छर जनित बीमारी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट नाइल वायरस जो है ये मच्छर से संबंधित रोग है, मच्छर से संबंधित ये रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले केरल के विषय में भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, आप सबको पता ही होगा केरल के अभी बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये बने हैं गवर्नर। ओके, इसके बाद जो नेशनल पार्क की बात करें, अगर हम जहां पे नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले नेशनल पार्क का नाम है अनामुडी शोला नेशनल पार्क, दूसरे का बात करें कुमारकम नेशनल पार्क, तीसरा पेरियार नेशनल पार्क, चौथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फोर्थ इराविकुलम नेशनल पार्क, चौथा है मैथिकेतन शोला पार्क, शोला नेशनल पार्क। और केरल का ये जो केरल है इसका फेस्टिवल है ओनम, केरल में ओणम मनाया जाता है। और केरल की मैं नदियों की बात करूं, रिवर की बात करूं, देखिए केरल की तो भरत पूजा और पेरियार। अगर मैं लेक्स की बात करूं तो लेक्स आप बताएंगे वेम्बानंद और अष्टमुदी। ओके, इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य को विभिन्न आईआईटी और आईआईएस बेंगलुरु द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है असम। Which state has been identified as the most vulnerable to climate change according to the study by various IITs and IIS Bangalore? तो इसका जो right option है वो है असम।
आप क्या बताएंगे? असम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 12 हिमालयी राज्यों, कितने हिमालयी राज्यों को? 12 हिमालयी राज्यों को। बारह हिमालयी राज्यों द्वारा सामना किए गए ग्लोबल वार्मिंग जोखिमों के आकलन के बाद भारत में राज्यों के सामने आने वाले जलवायु जोखिमों के आकलन के लिए एक अध्ययन शुरू करने का फैसला किया। ओके, इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। पोलैंड में पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में चर्चा की। असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य जलवायु परिवर्तन की चपेट में हैं। कौन कौन से राज्य? असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य जो हैं चपेट में आ गए हैं जलवायु परिवर्तन की। इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर मैं बात करूं असम की, जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील देखिए किस राज्य को माना गया? असम। और इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी जो है लाइन में लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी। ओके, इसके बाद असम की बात करते हैं। अगर हम असम की बात करें तो असम की कैपिटल जल्दी बताइए क्या है? तो आप सब बताएंगे असम की कैपिटल दिसपुर है। इसके बाद हम नेशनल पार्क की बात करें असम के, तो डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। ओके, इतने जो है नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कौन सा देश 2020 में पहली बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा या भारत करेगा या पाकिस्तान करेगा या बांग्लादेश करेगा? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है भारत। कौन करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फॉर फर्स्ट टाइम इन 2020? तो मियामी यूएस में 15 मार्च को फीफा परिषद की बैठक के बाद भारत U17 महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा। 2017 में U17 पुरुष विश्व कप के बाद भारत फीफा टूर्नामेंट मेजबानी करने वाला यह दूसरा कप होगा। U17 महिलाओं का टूर्नामेंट 2008 में शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड ने इसकी मेजबानी की। ओके, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है कि जो U17 स्टार्ट हुआ था ये 2008 में स्टार्ट हुआ था और यूएस में 15 मार्च को फीफा परिषद की बैठक के बाद U17 महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा। भारत इस बार जो मेजबानी करेगा 2020 की, तो वो करेंगे हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित को पढ़ें और सही कथन ढूंढें। पहला, खगोलविदों ने सुपरमेसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित 83 क्वासर्स की खोज की है। दूसरा, खोज एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई। तीसरा, यह पृथ्वी से 15 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड। आपका राइट ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड 83 क्वासर्स पावर्ड बाय सुपरमेसिव ब्लैक होल्स। द फाइंडिंग इज पब्लिश्ड इन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल। खगोलविदों ने पृथ्वी से 13 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित 83 क्वासर की खोज की। एक ऐसे समय से जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु के 10% से कम था। खोज एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित ब्लैक होल्स की संख्या में वृद्धि उस युग में ज्ञात होल्स और पहली बार यह दिखाती है कि वे ब्रह्मांड के इतिहास में कितने आम है। आपको देखिए ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपके लिए। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि खगोलविदों ने सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित 83 क्वासर्स की खोज की है। इनके पॉइंट्स याद देखिए, डाटा 83 क्वासर्स की और खोज एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई। कहाँ पर प्रकाशित हुई? तो एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुई। सिंपल सी आप इतना सा इसके पॉइंट याद रख लीजिए, ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और हमारे प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी हमारे फ्रेंड्स न्यू जुड़ रहे हैं आपसे मैं उम्मीद करती हूँ आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केटी इरफान टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। वह किस खेल से संबंधित है? रिले रेस, हर्डल्स, रेस वॉकिंग, स्प्रिंट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है रेस वॉकिंग से संबंधित है। केरल के 29 वर्षीय हैं। पहली बात तो ये याद रखिए, ये जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने वे किस खेल से संबंधित है? रेस वॉकिंग से। तो ये जो केटी इरफान है
ये जो है ये 29 वर्षीय हैं, 29 साल के हैं, और कहाँ के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, केरल के हैं। और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई क्या है इन्होंने, कहाँ के लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि यह है जापान के नोमी में एशियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किलोमीटर की श्रेणी में चौथे स्थान पर रहे हैं। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो जो एथलीट होता है उससे संबंधित राज्य भी जरूरी होता है, याद करना कि वो किस राज्य से बिलोंग करता है। तो रेस वॉकिंग केटी फांटो के जो है रेस वॉकिंग में भारतीय एथलीट ये जो है अगली बार टोक्यो में हिस्सा लेंगे, जो हमारे टोक्यो में ओलंपिक खेल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दक्षिणी अफ्रीकी महिला ओपन में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बनी, अनीशा पादुकोण, लोरा डेविस, जॉर्जिया हॉल, दीक्षा डागर, इनमें से कोई नहीं। तो दीक्षा डागर जो है आपका राइट ऑप्शन है, आपका जो राइट ऑप्शन है मैं बताती हूँ, दक्षिण अफ्रीकी महिला ओपन में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन है, ये गोल्फर। दीक्षा डागर क्या है, गोल्फर, याद रखनी है आपको ये बात। ये है गोल्फर। तो 16 मार्च 2019 को भारतीय महिला गोल्फर दीक्षा डागर केप टाउन में दक्षिण अफ्रीकी महिला ओपन के बाद लेडीज यूरोपियन टूर में दूसरी भारतीय विजेता बनी। उन्होंने अदिति अशोक का अनुसरण किया है जो 2016 में गुरुग्राम में हीरो महिला इंडियन ओपन के बाद लेडीज यूरोपियन टूर पर जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आईओआर को कवर करने वाले भौगोलिक प्रसार के संदर्भ में सबसे बड़े अभ्यास का नाम बताइए क्या है। तो वज्र प्रहार, सी विजिल, युद्ध अभ्यास XIV, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है TROPEX-19, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ओके, नौसेना के चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने नेवी के सबसे बड़े युद्ध के खेल के दिन भर की समीक्षा सत्र की अध्यक्षता की। कोच्चि में थिएटर लेवल ऑपरेशनल रीडिंग एक्सरसाइज जिसका उद्देश्य कहां पर है आयोजित, ये हुई कोच्चि में थिएटर लेवल ऑपरेशन रीडिंग एक्सरसाइज जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों अभ्यास के आचरण की जांच करना और आकलन करना है। इतने पॉइंट्स बस आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑनलाइन पोर्टल का नाम बताइए जो भारत और अफगानिस्तान के बीच डिजिटल शिक्षा पहल का एक हिस्सा है, जो नवीनतम प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के साथ छात्रों और अफगानिस्तान के संकायों को सिकल करेगा। तो दीक्षा, स्वयं, स्किल ईडीयू, माई गवर्नमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है स्वयं। क्या है ऑनलाइन, उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है स्वयं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD भारत सरकार ने डिजिटल शिक्षा पहल पर सहयोग करने के लिए अफगानिस्तान सरकार के साथ, इंडिया और अफगानिस्तान सरकार, ये जो अफगानिस्तान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें IIT मद्रास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित कई प्रमुख कार्यक्रम शामिल है। MOU का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो अफगानिस्तान से छात्रों और संकायों को दाखिला देने और स्वयं पर पेश किए गए पाठ्यक्रमों से सीखने के लिए सुविधा प्रदान करना है। ओके, तो इतना आपको बात याद रखनी है कि ऑनलाइन पोर्टल का नाम जो है स्वयं है, ऑनलाइन पोर्टल का नाम स्वयं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय सेना और 16 अफ्रीकी देशों के बीच अफ्रीका भारत संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास APHENDIX-19 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है पुणे। पुणे, भारतीय सेना और 16 अफ्रीकी देशों के बीच 10 दिवसीय अफ्रीकी भारत संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास APHENDIX, ये किस किस के बीच में होता है APHENDIX, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया और अफ्रीका के बीच में, पुणे महाराष्ट्र में 18 मार्च 2019 पुणे महाराष्ट्र
देखिए दोबारा सुनते हैं। भारतीय सेना और 16 अफ्रीकी देशों के बीच 10 दिवसीय अफ्रीका भारत संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास पुणे महाराष्ट्र में 18 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय खदान सहायता और शांति बनाए में रखने व संचालन भाग लेने वाले प्रतियोगियों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया। यह पुणे में 2 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है और 2 स्थानों में आयोजित होगी ये। ओके, 2 स्थानों में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चेन्नई के 13 वर्षीय भारतीय पियानो वादक का नाम बताइए जिसने अमेरिकी रियलिटी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट में अपने प्रदर्शन के लिए $1 मिलियन जीता। तो उसका नाम है लिडियन नदवासरम। चेन्नई का ये 13 वर्षीय बालक है। ओके, लिडियन नदवासरम ने अमेरिकी रियलिटी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट में अपने प्रदर्शन के लिए 6.9 करोड़ यानी 1 मिलियन में, जो $1 मिलियन में होते हैं 6.9 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीता। युवा कोतुल ने एलन शो में भी अपनी शुरुआत की। लिडियन नदवासरम चेन्नई के म्यूजिक कंजर्वेटरी के छात्र हैं जो AR रहमान द्वारा संचालित है। इतने पॉइंट्स आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिसे 22वें गोलपुरी श्रीनिवास राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। रीमा दास, वेत्री मारन, सी प्रेम कुमार, शंकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो राइट ऑप्शन है वो है सी प्रेम कुमार। 22वें गोपाल श्रीनिवास राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, सी प्रेम कुमार जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेटा थुनबर्ग, क्या नाम है? ग्रेटा थुनबर्ग जिन्हें 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, किस देश के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं? तो आपका जो इसमें राइट जवाब है वो है स्वीडन। क्या नाम है? स्वीडन। अब जब मैं स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम करेंसी स्वीडिश करोना, स्वीडन की जो करेंसी है वो चलती है स्वीडिश करोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समुद्री सुरक्षा और सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज सबंग इंडोनेशिया जाने वाला पहला जहाज बन गया है? तो विजित, आपको राइट ऑप्शन बस ध्यान रखना है। विजित क्या है? विजित, विजित जो है भारतीय तटरक्षक जहाज सबंग इंडोनेशिया जाने वाला पहला जहाज बन गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज विजित भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री निकटता को उजागर करने और नई दिल्ली और जकार्ता के बीच समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने सबंग इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है। ओके, इतने पॉइंट्स आपको इसके विषय में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मर्सिडीज चालक का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीता है। ओके, तो इसका जो नाम है वोल्टेरी बोटास। क्या नाम है इनका? वोल्टेरी बोटास। आप बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन ही याद रखिए। मर्सिडीज चालक का नाम जो है वोल्टेरी बोटास है। मेलबर्न में आयोजित, ये जो आयोजित हुई थी ये F1, ये हुई थी मेलबर्न में, मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री में मर्सिडीज फॉर्मूला 1 के ड्राइवर वोल्टेरी बोटास ने अपनी पहली चैंपियनशिप हासिल की। उसके बाद मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन थे। वह एक फिनिश रेसिंग ड्राइवर हैं और अब वह मर्सिडीज के साथ फॉर्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ओके, इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। वोल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन और रेड बुल और मैक्स वर्स्टापन, वोल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टापन, इनके बीच में ही जो है कंपटीशन चलता रहता है। ये हारते हैं जीतते हैं यही चलता रहता है। ओके, तो मर्सिडीज चालक है ये, कौन है? एक मर्सिडीज ड्राइवर है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 मिला है, तो वोल्टेरी बोटास को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुंबई फुटबॉल एरिना में पहला इंडियन सुपर लीग खिताब किसने जीता है? तो पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जो जीतने वाली है वो है, आपको राइट ऑप्शन ही बता देते हैं, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब,
बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने फाइनल में एफसी गोवा को 1-0 से हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब मुंबई फुटबॉल एरिना में जीता। दोनों टीमों ने 90 मिनट के समय सीमा में कोई गोल नहीं किया और खेल अतिरिक्त समय के लिए चला गया। 118वें मिनट में राहुल भेक ने दूर के कोने में हैटर शूट करने के लिए छलांग लगाई और बेंगलुरु को अपना विजयी गोल दिलाया। चलिए अब कल मिलेंगे, कल बात करेंगे कुछ और नए ताजा तरीन क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही, कल में मिलेंगे और कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। और हम आशा करते हैं आपके सभी एग्जाम जो है बहुत अच्छे से हों, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, हम अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ पूरे तरीके से हैं। ओके, और आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरी वीडियो को आपको लाइक शेयर दोनों करने हैं। ओके, तो कल की क्लास में मिलेंगे। आपका दिन अच्छा जाए, आप सदैव हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।